अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शाजी और आप मेरे चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शाजी। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग सब? तो एक सवाल जो आप लोग पूछ रहे होते हैं कि रिसीवर कौन सा लें, तो भाई ये मेरी अपनी राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप जौन सा भी लें, मगर मैं अपनी राय में आपको बता रहा हूँ कि कौन सा रिसीवर जो है इस वक्त बेस्ट है। टॉप 3 एंड्रॉयड रिसीवर मैंने लिखा है, मगर मैं आपको इससे भी ज़्यादा बताता हूँ कि देखिए एंड्रॉयड में अगर आप आ रहे हैं तो टाइगर T3000 मेगा नॉट एक्स्ट्रा मेगा एक अच्छा एंड्रॉयड रिसीवर है और एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छी चलाता है ये एंड्रॉयड की अपने, और बेहतरीन क्वालिटी में है। रिजल्ट भी इसका 4K है, जो आप लोग नाइल सेट के ऊपर या हार्ड बेल्ट के ऊपर 4K चैनल देखते हैं तो उनको फुली सपोर्ट करता है और फुली 4K एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है ये टाइगर T3000 मेगा। अब इसके बाद जो है रिसीवर, ये वाला रिसीवर है, अगर यूज में मिल रहा है तो ये ले लें, MS 15 डायमंड Z2 रिसीवर, बिल्कुल A1 क्लास का है। पाकिस्तान में ऐसा आ नहीं रहा, मगर अगर ये यूज में मिलता है तो डुअल ट्यूनर रिसीवर है, बेस्ट रिसीवर है एंड्रॉयड की, हर एप्लीकेशन चलाता है। जो भी इसमें एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, बहुत ही अच्छा रिसीवर था, मगर न जाने क्यों पाकिस्तान में ये आना फिलहाल बंद हो गया, मगर बेहतरीन रिसीवर है और अपनी जगह एक टॉप रिसीवर है। अब इसके बाद जो है एक्सक्लूजर रिसीवर, ये भी आना बंद हो गए नए, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ओल्ड भी मिलता है तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल एक एप्लीकेशन चलाने में A1 है, रैम वगैरह भी इसकी अच्छी है, इंटरनल मेमोरी भी अच्छी है और एक मजबूत रिसीवर है, डोंकी रिसीवर है, सिग्नल भी ड्रॉप नहीं करता और इसके अलावा भी सैटेलाइट फाइंड करता है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी जो है वर्क करता है बेहतरीन, और फुली एंड्रॉयड रिसीवर है। अब इसके बाद जो है स्टारसैट X1, इसमें है तो बेहतरीन रिसीवर है, 4K रिसीवर है, मगर थोड़ा सा हैंगिंग का इशू आता है, मगर रिसीवर A1 है, अपनी एप्लीकेशन चलाने के हिसाब से जो है बेहतरीन। आप सोच रहे होंगे X7 का रिव्यू, X7 को मैंने इसमें शुमार नहीं किया, उस पर एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, मगर यूज में मिल रहा है X7 या न्यू तो बहुत ही अच्छा रिसीवर है, इसको आप बाय कर सकते हैं, बेहतरीन रिसीवर है, खास तौर से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं या कुछ भी इसमें आप डाउनलोड कर लें, मतलब हैंग होता है फॉर एवर के ऊपर थोड़ा सा, बाकी ओवरऑल जो है इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी भी इसकी बेस्ट क्वालिटी है, 4K रिसीवर है SR X1 Pro, X3 और X4 से बेहतरीन है, उनसे लाजवाब है और फुली 4K है। अब बात करेंगे टॉप रिसीवर की, तो भाई टॉप रिसीवर जो आयरन आइकॉन प्रो, उसकी क्वालिटी इन सबसे बेटर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई ना हैंगिंग का इशू है, थोड़ा सा कॉस्टली है, प्राइस मैंने नहीं बताई जानबूझ के आपको, लाहौर की अलग प्राइस, इस्लामाबाद की अलग है, पिंडी की अलग है, तो भाई वो जो शॉपकीपर होते हैं उनकी अपनी अपनी प्राइजेस होती हैं, मगर मैं किसी की प्राइस नहीं बताऊंगा, हमारी तरफ अलग है और आपकी तरफ अलग है। तो फ्रेंड ये रिसीवर जो है इस वक्त जो है आयरन आइकॉन प्रो टॉप रिसीवर है, तमाम एप्लीकेशन चला रहा है, चाहे इसका GoGo IPTV हो, चाहे इसका और का सर्वर हो, फॉरएवर इसमें है नहीं, और का सर्वर में बेस्ट है, और भी अपनी 5G या कोई भी आप इस पर एप्लीकेशन डालोगे बिल्कुल रनिंग करता है, नो मतलब फ्रीजिंग के साथ। तो फ्रेंड ये थी एक मालूमाती वीडियो, देखते रहिए टेक्निकल शाजी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।